वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रेया पाठशाला में। मैं आरपी पांडे आज आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज 5.6 का एक एग्जांपल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। इस क्वेश्चन को कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका समझा रहा हूँ, देखेंगे। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे बन सकता है। ये हो गया x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू है हमारा a टू द पावर 2/3। इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड दोनों तरफ हम कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स टू द पावर एन का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पे हमें तोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा, 2/3 एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है, यानी कि यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ 2/3 माइनस वन, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस वन। और क्योंकि यहाँ पे y है और x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक dy/dx तो होगा ही होगा, इज इक्वल टू a। यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक अचर राशि है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 2/3 x टू द पावर, ये कैलकुलेशन करने पे हो गया माइनस 1/3, ओके, प्लस यहाँ पे हो गया 2/3 वाई टू द पावर माइनस 1/3, ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू क्या, जीरो। यहाँ पे अभी आगे देखते चलिए, आगे हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ऐसे 2/3। अब इस चीज़ को ये माइनस है, इसे क्या हम नहीं लिख सकते हैं, 1/x^3 जिसे हम ऐसे दिखा सकते हैं x, और यहाँ पे हो गया 3, ओके। मैं समझ रहा हूँ कि देखिए क्या किया हमने, x टू द पावर माइनस 1/3 है, इसको मैंने क्या किया, 1/x^1/3 हो सकता है। अच्छा, अगले लाइन में इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x, और यहाँ पे q आ गया, ओके। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है इसे देख के समझ सकते हैं। चलिए, तो सेम इसी तरह मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, 2/3 और यहाँ पर भी 1/, यहाँ पर क्या हो गया y, और ये हो गया 3, ओके। चलिए, और ये dy/dx तो पहले से है, इसे लेना ही है, इज इक्वल टू जीरो। मैं इसे आसान कर रहा हूँ, देखिए अभी 2/3 दोनों तरफ से कॉमन हो सकता है, इसे बाहर निकाल दीजिए, ओके। यहाँ से आप कई तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी से ये हो सके। यहाँ पे x, यहाँ पे ये हो गया q, प्लस यहाँ पे फिर क्या हो गया 1/√y हो गया क्यू, ओके, dy/dx वैसे ही अभी रहेगा, इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं 2/3 को उस साइड लेके जा रहा हूँ तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये 2/3 इधर आकर जीरो से क्या हो जाएगा, शून्य बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या बचा, इम्प्लाइज दैट 1/ हमारा काम हो चुका है, मैं बस अब इसको थोड़ा सा हम लोग को लिखना है, 1/ यहाँ पे हो गया वाई ये √3, यहाँ पे dy/dx और इज इक्वल टू क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये 2/3 उधर गया, जीरो। अब यहाँ पे क्या हो गया, जिस चीज़ को हमें यहाँ पे नहीं रखना है उस साइड लेके चलना है, तो ये हो गया 1/ यहाँ पे √y ये क्यू है dy/dx इज इक्वल टू, ये चीज़ इधर आकर माइनस हो गया, माइनस 1/x और यहाँ पे क्यू। अब हमें किसका निकालना है, तो dy/dx शिफ्ट चाहिए, यानी कि इस चीज़ को भी हमें वहाँ पे लेकर चलना है, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा मेन, ओके। ऊपर है हमारा, देखिए ये तो सिंपल, क्या मैं इसे डायरेक्ट ऊपर लिख दूँ, आप समझ सकते हैं ये चीज़ सीधे ऊपर आ जाएगा। चलिए माइनस, ज़्यादा इसको अब लंबा नहीं करते हैं, वाई यहाँ पर हो गया क्यू, और नीचे है एक्स और यहाँ पर है क्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है और दोनों सेम है, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस और एक ही रूट लिए और यहाँ पे हो गया क्यू, और ये हो गया y/x, किसका वैल्यू है, ये dy/dx का। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से ये बन सकता है, ठीक है। तो इसको, इस माइनस को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओके।
अब देखिए ये हमारा हो गया आंसर। इसे आप और भी कई तरीके से कर सकते हैं, आपको जब ये समझ में आ जाएगा तो यहाँ से आप कुछ लाइन को आप स्किप भी कर सकते हैं जल्दी से बनाने के लिए। जैसे ये लाइन आप छोड़ सकते हैं और यहाँ के बाद आप सीधे यहाँ पे आ जाइए। अगर आपको ये दोनों समझ में आता है तो इसके बाद आप सीधे ये भी लिख सकते हैं। मेन है कि समझना, एक बार आप समझ गए तो कुछ चीज़ों को आप स्किप आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखना होगा कि कितने मार्क्स में पूछता है। अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछा तो स्टेप छोड़ना बेवकूफ़ी है, स्टेप नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर कम मार्क्स में पूछा हो तो ज़्यादा लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप मार्क्स के हिसाब से इसको डिसाइड करिएगा और इस क्वेश्चन को कई तरह से भी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी ये ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का हेल्प मिले, जिससे कि वो एग्ज़ाम में अपना बेहतर नंबर ला सकें। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।